अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना कर रहे थे, मैंने कहा था ना आज के दिन जो भी प्रार्थना करोगे शिव जी जरूर पूरी करेंगे। भगवान तुम्हारा जोड़ा बनाए रखे। जय भोलेनाथ। जीजी की तबीयत इतनी खराब थी तो बताया ही नहीं हमको, कुछ दवाई वाई दे देते ना हम। भाभी आप ठीक तो हैं? चलिए रूम में चल के रेस्ट करती हैं। रुको, एक बात बता हमको, तुम्हारा राज कहाँ है? हाँ? कहाँ है तुम्हारा राज? इतना नादान और मासूम कोई नहीं होता है जितना तुम्हारा खानदान है। एक तुम्हारे पापा हैं, कुछ पूछो तो फनफनाने लगते हैं। तुम्हारी माँ आंखें झुका लेती है और तुम कुछ बोल नहीं पाती हो। चल आज तुम बोलोगी और हम सुनेंगे। बताओ हमको कि सारा मामला कहाँ है? जी काहे बेचारी को मुजरिम की तरह फील करा रही है? अभी भी कितनी सहमी हुई है बेचारी। अगर कुछ होगा भी तो इसको क्या पता होगा? कितनी छोटी है अभी। चल बेटा चल। मान्यता ऊपर लेकर जाओ। ये छोटी बच्ची है लेकिन एक का घर वाले वो तो सयाने बुढ़े हैं ना। राजकुमारी
ये नहीं तो इसके घर वाले सही, लेकिन आप हम अपने सवाल का जवाब लेकर रहेंगे। बाबू साहेब, आए बाबू साहेब, बाहर आइए। राजकुमारी जी, आप यहाँ अचानक कैसन? वाह बाबू साहब, वाह, बढ़िया रेस्ट यार आए थे आप हैं? जैसे एक्सीडेंट आपकी बिटिया का नहीं, कोनो और के बिटिया का हुआ हो। जैसे वो आपकी औलाद नहीं, कोनो और की औलाद हो जिसे जिंदा जलाने का कोशिश किया गया। एक्सीडेंट, जिंदा जलाना? हम कुछ भूजे नहीं, क्या कह रही हैं? हमारी बेटी को कहाँ है वो? अरे वाह बाबू साहब वाह, अरे माँ बिटिया को बचाने के लिए शमशान तक पहुंच गई और बाप को कुछ पता नहीं है? क्या परिवार है ये? कुमुद, हमें पता है आप अक्सर हमसे नाराज रहती हैं, पर इतना बड़ा बात हमसे छुपा ले? ठीकी को कह रही हैं राजकुमारी जी, आप जब देखो सुनैना को बचाने पहुंच जाती अकेली, हमें काहे नहीं ले जाती? मतलब आपको लगता है हम आपका और अपना बेटी का रक्षा नहीं कर सकते हैं, अगर देखभाल नहीं कर सकते हैं? अरे वो हमारी भी औलाद है। बस बाबू साहेब, बस अपना ये जो फैमिली ड्रामा है ना, ये हमरे जाने के बाद कंटिन्यू कीजिएगा। कैसे कि हम ये पूछने आए हैं कि क्या राज है आपकी बिटिया के पीछे? कुछ तो होगा ना, कैसे कि उका जो साइड इफेक्ट है ना, वो हमरे घर पर पड़ने लगा है जब से आप लोगों के साथ हमरा रिश्ता जुड़ा है। राज? कौन से राज की बात कर रही हैं आप? हम कुछ बूझे नहीं। बाबू साहब, जो आप भद्दा एक्टिंग कर रहे हैं ना, ये नाच का नचनिया लोग करता है, आप पर ही जच नहीं रहा है, इसलिए आप मत कीजिए। आप हमको ये बताइए कि कोई तो राज होगा ना आपकी बिटिया का? नहीं, राज होगा तभी तो दुनिया का सब लोग आपकी बिटिया पर हमला करने पर तुला हुआ है। राजकुमारी जी, पूरा मुंगेर भरा पड़ा है बाबू साहेब के दुश्मनों से, और जो बीच बीच में हमसे बदला लेने का कोशिश करते रहते हैं, नाकाम कोशिश, अब उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। और हम अभी ससुर हमरा छोटी बच्ची से बदला लेना चाह रहे हैं। अब बाबू साहब, आपकी छोटी बिटिया हो या बड़ा कुनबा, अब हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है। कष्ट की बात अब हमरे बेटे पर आ गई है मुझे। और अगर आपका जिगरा नहीं है ना ये पता लगाने का कि आपकी बिटिया पर कौन हमला कर रहा है और काहे हमला कर रहा है, तो हमसे बोलिए, हम पता लगाएंगे, हम राजकुमारी से। इतना आसान नहीं है राजकुमारी जी, आप महिला है। महिला है बाबू साहब, डोंट अंडर एस्टिमेट। कैसे कि औरत जो है ना, वो दुर्गा भी हो सकती है और चंडी भी, और अपने पे आ जाए ना तो ब्रह्मांड हिला सकती है, बुझे? आईना रूप नहीं हकीकत पे दिखाए। दंगल प्ले ऐप पर।